हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू इन अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम सिखाएंगे वन वे एंड टू वे स्लैब में रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये टू वे स्लैब है, तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया बेंटा बार, ये बेंटा बार है और ये आपका मेन बार। तो ये बेंटा बार है जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये बेंटा 45 डिग्री बेंड होगा। और ठीक है, तो जो अभी हम दिखा रहे हैं, आप इसमें जो टू वे स्लैब में होता है चारों साइड में सपोर्टेड बीम होता है। अगर सपोर्टिव बीम हो तो वहाँ पे बेंटा बार प्रोवाइड करते हैं। इस तरह बेंटा बार प्रोवाइड करेंगे, ये बेंट अप हो जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे बेंट अप होगा, ये एल बाई फोर क्लियर स्पैन अपॉन फोर। तो अभी हम ये बेंट अप देते हैं डिस्टेंस से, ये होगा प्लेन बार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम जो हमें बार दे रहे हैं, एक बार रहेगा बेंट अप बार, दूसरा रहेगा प्लेन बार, और फिर तीसरा हमारा बेंट अप, फिर तीसरा मेन बार। तो इस तरह से हम अल्टीनेट देते हैं, ये अल्टीनेट रहेगा, इस तरह से अल्टीनेट देते रहते हैं। एक बेंट अप रहेगा तो दूसरा मेन रहेगा, फिर दूसरा अल्टीनेट बेंट अप तो दूसरा मेन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्लेन गया उधर साइड से, और यहाँ पे आता हुआ दूसरी साइड में ये इधर बेंट अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बेंट अप पर प्रोवाइड करते हैं। एक साइड बेंट अप होता है तो दूसरी अल्टीनेट चला जाता है। ये टू वे स्लैब के अंदर होता है, इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। अगर वन वे ये टू वे स्लैब है, इस तरह से मेन बार प्रोवाइड करना है आपको। और जैसा कि आप, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मेन बार एंड क्रॉस बार। मेन पर्पज़ ये होता है कि मेन बार क्रॉस बार हम टू वे स्लैब में एंड वन वे स्लैब में किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो सपोर्टेड होता है एंड सपोर्ट जो बेम होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली ले पाए स्लैब का। ठीक है, तो इस तरह से हम दिखा देते हैं आपको पूरी प्रॉपरली मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार। मेन बार कौन सा रहेगा आपका, शॉर्टर स्पैन ऑफ द स्लैब, और डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा आपका लॉन्ग स्पैन ऑफ द स्लैब। और वन वे स्लैब में रहेगा आपका मेन बार शॉर्टर स्पैन में, और डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा लॉन्ग स्पैन में। बट यहाँ पे हम जो क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं शॉर्टर स्पैन में ही देते हैं, और लॉन्गर स्पैन में हम सीधा एक प्लेन बार दे देते हैं। मतलब इसमें कोई बेंट अप नहीं होता है, इसमें चारों साइड बीम है। इसमें एक फार्मूला होता है कि अगर आपकी शॉर्ट लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाई शॉर्टर स्पैन, अगर रेशियो जो इसका होता है टू से ज़्यादा होता है, तो वो आपका वन वे स्लैब होती है। तो वन वे स्लैब में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग स्पैन है और शॉर्टर स्पैन से ज़्यादा है, टू से ज़्यादा है। तो इस तरह से मैं और आवाज़ दिखा देता हूँ आपको, पूरी स्लैब का एरिया दिखा देता हूँ आपको, व्यू दिखा देता हूँ आपको, किस तरह से प्रोवाइड करना है एंड सपोर्ट बीम पर। ठीक है, मेन पर्पज़ ये होता है कि बीम प्रॉपरली लोड डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, एंड जो स्लैब का जो लोड होता है बीच में ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, साइड में नेगेटिव मोमेंट होता है। तो इस तरह से ये बेंट अप बार प्रोवाइड कर देते हैं। एक बेंट अप होता है तो दूसरा सीधा जाले जाता है। इस तरह से पूरे स्लैब में हम सरिया प्रोवाइड कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे टेक्निक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।